Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about hypoparathyroidism. First of all of you, happy new year. Hypoparathyroidism ये most important topic है और ये most of the woman को ज़्यादा दिखाई देता है lifestyle changes के वजह से. So आज हम लोग इस वीडियो में ये discuss करने वाले हैं कि hypoparathyroidism क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसके क्या इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर करते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. हाइपो यानी कि लो, देन पैराथायरॉइड ये ग्लैंड है, ओके. देन डिजम यानी कि डिसीज हम लोग बोलते हैं या मेडिकल कंडीशन. हाइपोपैराथायरॉइड स्टार्ट करने से पहले हम लोग हाइपोपैराथायरॉइड के एनाटॉमी देखेंगे. जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा पैरेंस है, देन लेफ्ट मिडल थायरॉइड वेन है, जो वेस्ट है, जो वेस्ट ब्लड है वो रिटर्न हमारे हार्ट में जाता है, देन लेफ्ट इन्फेरियर थायरॉइड आर्टरी है, आर्टरी से हमारे ये थायरॉइड को ब्लड सप्लाई होता है, लेफ्ट एंड राइट रिकरेंट लैरेंजर नर्व है, देन राइट लोबो ऑफ थायरॉइड ग्लैंड है, देन टू सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, स्मॉल आप लोग देख रहे हैं, सुपीरियर यानी कि ऊपर के, देन टू इन्फेरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, इन्फेरियर यानी कि नीचे के, ईसोफेगस यानी कि फूड फाइंड. पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम तो यही है कि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है, सो ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट मेंटेन करने का काम पैराथायरॉइडिज्म करता है. अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल लो रहेगा, सो कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने का काम ये पैराथायरॉइड करता है, ओके. हमारा कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से तैयार होता है, सो हमारे टीथ और बोन में से ये कैल्शियम तैयार होता है. कैल्शियम का भी फंक्शन है, कैल्शियम हमारे हार्ट को, जो हार्ट रिदम है, ये हार्ट रिदम को कंट्रोल करने का काम ये कैल्शियम करता है. देन हमारे जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का ये कैल्शियम ही करता है. देन जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं ब्रेन थ्रू, सो ब्रेन को वर्क करने के लिए हमारा कैल्शियम काम करता है, ओके. देन जो नर्व ट्रांसमिशन है, सो ये नर्व ट्रांसमिशन के लिए ये कैल्शियम हेल्प करता है. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म ये एक बहुत कॉमन डिसीज कंडीशन है. इसमें हमारे बॉडी में जितना ये पैराथायरॉइड ग्लैंड चाहिए उतना तैयार नहीं हो पाता है. सो इस कंडीशन को हम लोग हाइपोपैराथायरॉइडिज्म बोलते हैं. सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है. सो फर्स्ट है पैराथायरेक्टोमी. पैराथायरेक्टोमी यानी कि ओपन सर्जरी होती है. सम डिसीज के वजह से हमारे जो पैराथायरॉइड हार्मोन है, जो ग्लैंड है, वो रिमूव करते हैं, निकालते हैं. इस वजह से हम लोगों जितना पैराथायरॉइड हार्मोन चाहिए उतना नहीं हो पाता है. सो इस वजह से हम लोगों को ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो जाता है. अगर आप लोगों को नेक कैंसर है और आप लोग कैंसर के लिए ये कीमोथेरेपी लेते हैं, कीमोथेरेपी क्या करते हैं, सो कीमोथेरेपी ये एक ड्रग है, ओके. और इसमें हमारे जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स को किल करता है ये कीमोथेरेपी. सो अगर आप लोगों को नेक कैंसर है और आप लोग कीमोथेरेपी लेते हैं, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है. क्यों होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी के वजह से हमारे जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड के सेल्स डैमेज होते हैं कीमोथेरेपी के वजह से. अगर आप लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, सो रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी हमारे जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ये डैमेज होते हैं. सो पैराथायरॉइड ग्लैंड डैमेज के वजह से हम लोगों को ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो जाता है. एंड अगर आप लोगों को नेक में कैंसर रहेगा और कैंसर के वजह से जो नेक के सराउंडिंग का जो सेल्स है वो रिमूव करना पड़ता है, सो उसके साथ साथ हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड भी रिमूव करने पड़ते हैं
क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड को जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं, थायराइड ग्लैंड भी रिमूव करने पड़े। सो इस कंडीशन के वजह से भी हम लोगों को ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर यानी कि एक्सेसिव, ज़्यादा पर्सन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डिसीज होता है। सो वो पर्सन का जो ये नेक है, ये स्वेलिंग हो जाता है। ओके, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, तो सम केसेस में ये सर्जरी करना पड़ता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी। कंजेनाइटल अबनॉर्मेलिटी यानी कि एट बर्थ में ही हमारे जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये मिसप्लेस रहते हैं, अदरवाइज प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, इनमेच्योर डेवलप होते हैं। इस वजह से भी हम लोगों को ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है। इन्हें पिच्यूटरी ग्लैंड डैमेज, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारी पिच्यूटरी है। पिच्यूटरी को हम लोग हमारे बॉडी की क्वीन बोलते हैं। ये पिच्यूटरी डैमेज रहेगी तो इस वजह से भी हम लोग को ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होता है। ये फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में हाइपो पैराथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री रहेगी, तो जेनेटिक के वजह से, क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटी के वजह से हम लोगों को भी ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से भी हम लोग को ये हाइपो पैराथायरॉयडिज्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी कि इसका जो रीज़न है ये अभी तक अननोन है। सो ये थे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के कोजेस, कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। सो इसमें है टिंगलिंग एंड बर्निंग फिंगर टॉय, जो हमारे फिंगर टॉप ये टिंगलिंग हो जाते हैं और ये होते हैं बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है। ओके, देन हमारे जो मसल्स है, तो मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। ओके, जो जॉइंट्स है, सो जॉइंट्स में भी क्रैम्प्स आते हैं। अब्डोमिनल पेन होता है, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो कैल्शियम लेवल है, ये कैल्शियम लेवल इनबैलेंस हो जाता है। कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम हमारा थायराइड पैराथायराइड करता है, बट अगर हमारे बॉडी में पैराथायरॉइड ही लो रहेगा, सो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। हमारे मसल्स को स्पाजम आता है। ओके, बहुत ज़्यादा पेन होता है, मसल्स ट्विस्ट होते हैं। देन नेक पेन होता है, हाइपो पैराथायरॉइड के वजह से हम लोगों को नेक पेन होता है, हेडेक होता है। देन जो पीरियड्स है, ये पीरियड्स इनरेगुलर हो जाता है लेडीज़ के लिए। ओके, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के वजह से पीरियड्स में भी चेंजेस आते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आता है। देन हेडेक होता है। ओके, ये लोग बहुत वीक रहते हैं, फटीक रहते हैं। देन कॉन्स्टिपेशन होता है, एनजाइटी हो जाती है, ये लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, क्योंकि हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के वजह से हमारे जो मेमोरी है, ये मेमोरी भी समटाइम लॉस हो जाती है। नेक पेन होता है, हेडेक होता है, इस वजह से हम लोग इरिटेट हो जाते हैं और टैबलेट भी कंटिन्यू लेनी पड़ती है। सो समटाइम ये लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। हमारे हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट डिक्रीज हो जाते हैं। देन हमारा फेस पफी हो जाता है, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्वेलिंग आती है। देन वॉइस में चेंजेस आता है, हमारी जो टंग है, ये टंग इनलार्ज हो जाती है, और हमारा जो वेट है, ये वेट इंक्रीज हो जाता है। जितना भी आप लोग ट्राई करेंगे डिक्रीज करने का, बट ये डिक्रीज नहीं होता है, यानी कि कम नहीं होता है, और इसमें अनएक्सपेक्टेड हमारा जो वेट है, ये इंक्रीज हो जाता है। सो ये थे हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी कि इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर फर्स्ट तो पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आप लोगों को कितना दिन से पेन है, कितना दिन से क्रैम्प्स आते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के वजह से हमारे नेक को स्वेलिंग आती है, हमारी जो टंग है, सो ये टंग भी स्वेलिंग हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। ओके, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के वजह से। सो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, देन ब्लड टेस्ट भी करते हैं,
और ब्लड टेस्ट में जो कैल्शियम है देन फॉस्फरस है, सो ये कैल्शियम और फॉस्फरस का लेवल चेक करते हैं, देन टीएचएस स्टडी करते हैं। टीएचएस यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक ब्लड टेस्ट रहती है। सो ये डॉक्टर ब्लड टेस्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों का जो थायराइड ग्लैंड इंक्रीज रहता है यानी कि स्वेलिंग रहती है, सो डॉक्टर थायराइड अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, ये भी एक टेस्ट है। ओके, देन थायराइड स्कैन करते हैं। सो ये है इन्वेस्टिगेशन। अभी हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वाइज डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, लेवोथायरोक्जिन, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टीएचएस लेवल डॉक्टर कितना एमजी डोज स्टार्ट करना है, सो वो डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेडिसिन है ये 6 to 8 वीक तक कंटिन्यू लेना पड़ता है, और ये मेडिसिन एम्प्टी स्टमक लेनी पड़ती है। ओके, बिफोर फूड ये मेडिसिन लेनी पड़ती है, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर्स जो भी डॉक्टर ने आप लोगों को मेडिसिन स्टार्ट किया है, अर्ली मॉर्निंग में 1 मेडिसिन लेना है या 2, सो वो डोज कंटिन्यू करना है। अगर आप लोग मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म रिपीट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, क्योंकि फर्स्ट तो डॉक्टर देखते हैं 6 to 8 वीक तक आप लोगों का जो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल है ये नॉर्मल रेंज में आता है कि नहीं। सो अकॉर्डिंग टू रेंज वाइज लेवल वाइज डॉक्टर आप लोगों को मेडिसिन स्टार्ट करता है, और ये मोस्ट ऑफ द ये पैरा हाइपो पैराथायरॉयडिज्म के मेडिसिन कंटिन्यू लेने पड़ती है जब तक आप लोगों का जो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल है ये नॉर्मल नहीं आता है तब तक। हम लोग डाइट में देखेंगे तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, मिल्क लेना है। ओके, क्योंकि मिल्क में हम लोगों को कैल्शियम मिलता है, मिल्क में बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। देन वेजिटेबल्स खाना है, डेली एक्सरसाइज करना है। ओके, देन जितना होता है उतना हमारा जो वेट है ये वेट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सो ये था आज का टॉपिक हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।